गृह मंत्री तामचंद्र साहू ने बिलासपुर दौरे के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरोज पांडे खराब सड़कों के नाम पर एक गड्ढे में अपना चार्मिंग फेस लेकर फोटो खिंचवा रही हैं। जहां हमारी चार्मिंग चिकनी सड़क है, वहां भी कभी इन्हें फोटो खिंचवानी चाहिए। वहीं रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह बोलते हैं कि प्रदेश में 62,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, जबकि प्रदेश में हमारी टोटल सड़क करीब 34,000 किलोमीटर की है। ऐसे में रमन सिंह बताएं कि 62,000 किलोमीटर की सड़कें कहां बनी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 साल में सड़कें अच्छी बनती तो वर्तमान में हमें एक भी सड़क नहीं बनानी पड़ती। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा साहू ने कानून व्यवस्था को लेकर भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नेता अजीब बात करते हैं, किसी के घर में किसी को कोई मारे जाकर, कोई घर में फांसी लगा ले, उसमें कानून व्यवस्था की बात नहीं आती। लेकिन कहीं चक्का जाम हो, हड़ताल हो, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तब कानून व्यवस्था की बात आती है। वहीं केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र और गोवा में केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर लालच दिया जा रहा है दिया गया। साथ ही कहा कि लगातार यात्री ट्रेनें रद्द कर मालगाड़ी चलाई जा रही है, इसके बावजूद कोल संकट फैक्ट्रियों में बना हुआ है। सरोज पांडे एक गड्ढे में रोड में अपना चार्मिंग फेस डलवाई थी कि ये रोड खराब है करके, तो कोई भी सड़क जो बनता है 20 किलोमीटर के सड़क है, जब उसको खोदते हैं तो गड्ढा तो होगा ना बनाने के लिए। वो रमन सिंह बता पाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है अगर वो बनाए हैं तो उस 30,000 किलोमीटर सड़क का पैसा कहाँ गया, ये भी रमन सिंह बताए। वो सड़क कहाँ पर है वो भी ये बताए। हम लोग अपने 34,000 किलोमीटर सड़क के एक एक पाई का हिसाब देने के तैयार हैं। कोई एक व्यक्ति किसी घर में जाके किसी को मारे, उसमें कानून व्यवस्था कहाँ से प्रश्न आ गया? कानून व्यवस्था का होता है कि रोड में चक्का जाम है रहा है, घुराए हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कानून व्यवस्था की बात आती है। कोई घर के अंदर फांसी लगाएगा, उसमें कानून व्यवस्था की बात कहाँ से आता है? कांग्रेस छोड़कर तो कोई नहीं भागा अब तक। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कौन भागा? और लगातार यात्री ट्रेनें निरस्त की जा रही हैं, उसके बावजूद कोल संकट फैक्ट्रियों में बना हुआ है मालगाड़ी में भेजने के बावजूद, तो ये उनका प्रबंधन ठीक नहीं है। और ज्यादा बातचीत के लिए दोनों ही पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन मार्कंडे जी बीजेपी से, तो वहीं चंद्रशेखर शुक्ला जी कांग्रेस से जुड़े हैं। तो सबसे पहले नवीन जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस तरीके की बात कही जाती है, गृहमंत्री ने कहा है कि सरोज दुबे चार्मिंग फेस लेकर फोटो खिंचवा रही है। देखिए ऐसा है कि फोटो खिंचवा रही है तो फोटो गड्ढा में ही खिंचवा रही है ना, जो गड्ढा जगह है सड़क में, कुआं बना हुआ है, बावली बना हुआ है, वहीं पर फोटो खिंचवा रही है। तो जो गड्ढे सड़क में, पूरे सड़क भर जो गड्ढा बन गया है, उस पर भूपेश बघेल की सरकार क्या कहेगा भाई? जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने, आप छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाए हैं जनता ने, तो जनता यही दिन देखने के लिए सरकार बनाए हैं क्या कि उनको गड्ढा में चलना पड़ेगा, एक्सीडेंट होना पड़ेगा? यहाँ रोड सेफ्टी के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का, क्रिकेट का आयोजन किए हैं, वहां से निकलने के बाद रोड में कितने घटना हुई है। यहाँ क्या बोलते हैं, डीडी नगर के पास एक्सीडेंट में 2-3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2-3 लोगों की मृत्यु इधर बिरगांव के तरफ हुआ है। तो रोड सेफ्टी के नाम पर आप क्रिकेट करा रहे हैं और उसमें घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है घटनाएं? और जिस तरह से सरकार जो है अपराध में, आप आए दिन रोज का आप न्यूज का पेपर पढ़ लीजिए कि 10 मर्डर अगर शहर बस में नहीं हो रहा है तो आप बता दीजिए मुझे, रोज का गांव तरफ कितने मर्डर हो रहा है, कहां कहां, कौन कौन से शहरों में हो रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? किस लिए? हम लोग लोकतंत्र में जनता अपने रक्षक के लिए सरकार बनाती है कि अपने भक्षक बनाए हैं? यहाँ जी यही समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार सरकार चला रही है कि यहाँ अपराध गढ़ बना के रखे हुए, पूरा अपराधियों को
संरक्षण दे रहे हैं। अभी आरंग क्षेत्र में जाके देखिए, इनके कांग्रेस के लोग जो है 100 पेड़ को काट कर बेच दिए, अब उस पर गांव वाले जो है आवाज उठाए तो उन्हीं को बारे जवाब भी ले लेते ना हम, और उन्हीं को जो है जेल भेज दिए। नवीन जी हम जवाब भी ले लेते हैं ना, चंद्रशेखर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे आप? की कोई कार्रवाई होती है क्या ये बताएं कानून में, और गृह मंत्री जी बताएं कि कैसे चला रहे हैं, एक तरफा कोई बलवा की कार्रवाई होता है क्या? तो वही तो पूछ रहे हैं कि भाई सरकार जवाब ले लेते हैं ना नवीन जी, जवाब ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेलो जी चंद्रशेखर जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी, जवाब दीजिए आप। जी देखिए नवीन भाई बौखला गए हैं, माननीय सरोज पांडे जी गड्ढे में खड़े होकर फोटो खिंचा रही, उनको ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार भी जिम्मेदार थी। माननीय रमन सिंह जी दावा करते हैं कि 60 किलोमीटर सड़क बनाया है, प्रदेश में टोटल 32,700 किलोमीटर सड़क है, तो 27,200 किलोमीटर सड़क कहाँ चलेगी, उसका पैसा किसने आया, उसकी जवाबदारी किसकी है? और जो सड़क बनाए हैं वो 1-2 साल के लिए बनाया था, जो उसकी गुणवत्ता होती है, उन्होंने डामर की जगह रमन सिंह जी ने कालिक डाला था, और वो कालिक आज प्रदेश को चौमुखी गंदगी फैलाए पड़ा है। इस बात की क्रेडिबिलिटी, इस बात की जवाबदारी लेने के बजाय आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र अपराधगढ़ की बात करते हैं, इनके शासनकाल में ट्रेनों का अपहरण हुआ करता था, भारत के इतिहास में भूतो ना भविष्य तो कभी नहीं हुआ उस देश में, वो इस देश में हुआ है, ट्रेन का अपहरण हुआ है दुर्ग में रमन सिंह जी के शासनकाल में। इस सब बात को लेकर कौन जवाब देगा? रमीन भाई इतनी बातें भर कह रहे हैं लेकिन जवाबदारी जिम्मेदारी कहां से आएगी? आज जब माननीय रामदास साहू जी बता रहे हैं कि ट्रेनों का परिचालन रुकने के बाद भी कुल संकट है, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा केंद्र सरकार की? देखिए विपक्ष में बात करना बेहद आसान होता है, काम करके दिखाना। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में भी काम नहीं किया, और अब अपनी जिम्मेदारियों से भाग के सरोज पांडे जी केंद्रीय सांसद है और फोटो खिंचा रही है, ये तो बड़ा भयावह शर्मनाक है। राज्य सरकार की जो काम है उसको सहयोग करने के बजाय सिर्फ क्रिटिसाइज करने से यदि काम चलता हो तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। लेकिन क्रिटिसाइज करने से कम आपको ध्यान तो आना चाहिए, आपको तो वो भी जी हम पूरे तरह जिम्मेदार हैं नवीन, हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं, ध्यान भी है, काम भी कर रहे हैं, जनता हमें पसंद भी कर रही है, आपके आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला। चंद्रशेखर जी पहले हम नवीन जी को सुन लेते फिर आपसे जवाब लेंगे। नवीन जी सरकार चलाएंगे आप ये बताइए। बिल्कुल, तो आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।